सौर्य भाग उठा और घर के अंदर जाकर कहीं छिप गया। स्वर्णा उसके पीछे जाने लगी तभी सालिका सामने आ गई। रुको, ये सब बंद करो प्लीज, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो, आप लोग आए कहां से हैं? स्वर्णा ने हल्की तेज आवाज में कहा। कहां ना, अपने बेटे से पूछिए। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। स्वर्णा सालिका को घूरने लगी। कबीर, सबको लेकर अंदर चलिए। कबीर ने सिर हिलाया और सबकी तरफ देखा। स्वर्णा गुस्से में हाथ बांधे खड़ी थी। विराट उससे दो कदम पीछे खड़ा था। चंद्रिका, रुद्राक्ष एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चंद्रिका उदासी थी और रुद्राक्ष उसे दिलासा दे रहा था। गोयल हाउस के अंदर शौर्य नाखून मुंह में दबाए बैठा था और सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। आशीष बोला, तब तक यूं माता मनाने के जैसे बैठा रहेगा, कुछ बताएगा हमें? शौर्य ने कुछ नहीं कहा। राजवीर ने उसे डांटते हुए कहा, यू इडियट, हम सब कुछ पूछ रहे हैं, बताना कैसे जानते हैं तू उन जादूगरों को, और वो लोग तेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? वो जादूगर नहीं है, आप आर्यवंशी हैं। क्या होता है ये, हमारे टाइम से हजारों साल पुराने लोग, जब राजा महाराजाओं का समय था। हजारों साल पुराने लोग, तू क्या कह रहा है बेटा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, नम्रता बोली। कबीर बोला, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, ये लड़का इतनी घुमावदार बातें कर रहा है, सीधे सीधे तरीके से नहीं बता सकते। पापा, मैं तो खुद घुमा हुआ हूँ, आपको सीधे सीधे कैसे बताऊँ? व्हाट, मेरा मतलब मेरा सिर घुमा हुआ है और दुख भी रहा है। सारिका उसके पास बैठ गई और बोली, शौर्य देखो बेटा, जो भी बात है साफ साफ बता, तभी हम उसका हल निकाल पाएंगे। सच्ची मम्मा, आप इसका सलूशन निकाल लेंगे? हाँ, मगर तू पहले प्रॉब्लम तो बता। बताता हूँ सब कुछ शुरू से। लास्ट ईयर जब मैं दोस्तों के साथ जयपुर ट्रिप पर गया था, तब हम प्रतापगढ़ घूमने गए थे। वहीं पर हमें चंद्रिका मिली, वो हमारी दोस्त बन गई और हम साथ में घूमे, बातें भी की। शौर्य की कही एक एक बात पूरी फैमिली ध्यान से सुन रही थी। चंद्रिका, वो जो बाहर है, रैना बोली। शौर्य ने सिर हिला दिया और कहा, हाँ भाई, उस वक्त हमें पता नहीं था कि वो साधारण लड़की नहीं है। फिर शौर्य चुप हो गया। चुप क्यों हो गया, बता ना, राजवीर बोला। फिर हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों मतलब कौन, नम्रता ने जब पूछा तो शौर्य बोला, मैं और चंद्रिका। रैना और राजवीर ने एक दूसरे को देखा। रैना ने आईब्रो उठाई, अच्छे दोस्त, वाओ, आपको फ्रेंडशिप के लिए वही मिली? फिर क्या हुआ शौर्य, सालिका ने पूछा। वो मॉम, फिर मैंने चंद्रिका को प्रपोज कर दिया। सभी चौंक गए। व्हाट, तूने इस नॉन ह्यूमन को प्रपोज किया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड, राजवीर ने कहा। आशीष ने डांटते हुए कहा, इस गधे से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? शौर्य ने सिर झुका लिया। कबीर बोला, शायद इसलिए वो लोग इतने गुस्से में हैं। नहीं पापा, उनके गुस्सा होने की वजह कुछ और है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या? वो मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने मुंह लटका कर कहा। रैना ने आंखें बड़ी करके पूछा, क्या गलती हो गई भाई? शौर्य चुप हो गया। रैना ने कुछ सोचा और कहा, ओ गॉड, भाई आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें समझ में आ गया? रैना ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पूरे परिवार की नाक कटवा दी आपने। हैं, क्या बोल रही है, बनो मत, राजवीर बोला। एक मिनट, जरा हमें भी तो पता चले कि किस बारे में बात हो रही है। रैना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अब बात करने को बचा क्या है? रैना के अजीब बर्ताव को देखकर नम्रता उसके पास आई और कहा, रैना क्या समझ में आया वैसे तुझे? रैना ने नम्रता के कान में कुछ कहा। नम्रता चौंक गई और शौर्य को डांटते हुए पूछा, हे भगवान, ये सच है क्या शौर्य? शौर्य को कुछ समझ नहीं आया, मगर जिस तरह से रैना और नम्रता उसे देख रहे थे, उससे वो जल्दी ही समझ गया। फिर चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और दादी आप तो मुझे जानती हैं, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? नम्रता उसे शक की नजरों से देख रही थी। शौर्य ने हल्के गुस्से से कहा, हद हो गई, मेरे घर वालों को मुझ पर यकीन भी नहीं है। अरे आप सभी जानते हो मैं औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ऐसा कुछ करूंगा क्या? लेकिन भाई आपने तो बोला बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप रह, बदतमीज लड़की, कुछ भी सोचती है, रैना ने सफाई देने की कोशिश की। वो दरअसल भाई, राजवीर ने उसे रोका, रैना शांत हो जाओ, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए अब मजाक बंद करो। और शौर्य, जब तक तुम हमें पूरी बात नहीं बताओगे, हमें कैसे कुछ समझ में आएगा, इसलिए सारी बातें बताओ। शौर्य ने सिर हिलाया और कहना शुरू किया, मैं चंद्रिका को पसंद करने लगा था और सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर उससे हाँ बुलवा कर रहूंगा, ताकि फिर मैं उसे अपने साथ मुंबई ले आऊँ, आप सबसे मिलवाऊँ। चंद्रिका ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई मित्र नहीं है, मतलब दोस्त नहीं है, वो बहुत अकेली है, उसके माँ बाप भी नहीं है। इतनी प्यारी और अच्छी लड़की की जिंदगी में इतने सारे दुख, ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लगा, और प्यार तो मैं उससे करता ही था, इसलिए डिसाइड कर लिया कि अब हमेशा वो मेरे साथ रहेगी। मैं उसे हमारे परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था, इसलिए उस दिन जब मैं चंद्रिका से मिला। फ्लैशबैक, शौर्य और चंद्रिका साथ बैठे बातें कर रहे थे। बोले, चंद्रिका क्या तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे? चंद्रिका सोच रही थी, फिर सिर हिला दिया। शौर्य खुशी से भरकर बोला, मैं जानता था, ओह मैं बहुत खुश हूँ, उसने उसे हग करते हुए कहा। चंद्रिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों अलग हुए, फिर चंद्रिका ने कहा, मगर पहले मुझे आपको अपने बारे में कुछ बताना है। शौर्य उसे देखने लगा, और ये बताए बिना मैं आपके साथ किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती, ऐसा क्या बताना चाहती हो तुम? वो चंद्रिका ने सिर झुका दिया और कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरी जिंदगी में आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में सब सच सच बता देना चाहती हूँ, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरी इस सच को जानने के बाद आप मुझसे मुंह फेर लेंगे और हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात मैं आपसे छुपा नहीं सकती। चंद्रिका ने अपने आंसू पोंछे, फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी शौर्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। ऐसी कोई बात या सच नहीं हो सकता जो मुझे तुमसे अलग कर दे, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होगा, दूर नहीं जाऊंगा, मेरी चांद हो तुम, हमेशा मेरे दिल में रहोगे, आई लव यू चंद्रिका। शौर्य ने ये दिल की गहराइयों से बोला और चंद्रिका सम्मोहित होकर उसे देखने लगी। शौर्य मुस्कुराया, चंद्रिका
मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना ही काफी है इस रिश्ते के लिए। चंद्रिका ने बोलना चाहा, पर कोई परवाह नहीं, तुम मेरी हो, समझ गए? शौर्य ने पूरे हक से कहा। चंद्रिका मना नहीं कर पाई। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। फिर शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चांद मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चंद्रिका उलझन में उसे देखने लगी। मैं क्या बोलूँ? कुछ मत बोलो, बस सिर्फ इतना जवाब दो, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? हाँ, वो चंद्रिका को अपने साथ कहीं ले जाता हुआ बोला। तो चलो, अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अरे लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? फिलहाल तो होटल, क्योंकि वहां से अपना लगेज लेना है। फिर हम मुंबई के लिए निकलेंगे और मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाऊंगा। वैसे तो पहले वो बहुत नाराज होंगे, लेकिन फिर मान जाएंगे। और ना मानने की कोई वजह भी नहीं आखिर उनके पास, इतनी प्यारी और सुंदर बहू को कौन अपनाएगा? शौर्य बोलता जा रहा था, चंद्रिका को बोलने नहीं दे रहा था। फिर जब वो दोनों प्रतापगढ़ की सीमा से निकलने लगे तो अचानक ही चंद्रिका रुक गई और अपने कदम पीछे खींच लिए। शौर्य ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? चंद्रिका लाचारी से उसे देख रही थी। चांद तुम अपसेट क्यों हो? मैं इससे आगे नहीं जा सकती। मतलब आपको कैसे समझाऊं मैं? पर प्रॉब्लम क्या है? चंद्रिका भी चुप हो गई और सिर झुका लिया। वो रो रही थी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे रमन की कही बात याद आई। गांव की लड़कियां ऐसे ही बिना किसी रिश्ते के किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाती। चांद क्या तुम इसलिए नहीं चलना चाहती क्योंकि अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है? चंद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। शौर्य ने मन में कहा, चांद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूंगा क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे उन जुल्मी रिश्तेदारों के पास नहीं छोड़ सकता। मैं इससे आगे नहीं जा सकती। मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हें अपने भविष्य को लेकर एक श्योरिटी चाहिए ना? मतलब ठीक है तो फिर, मतलब शौर्य मुस्कुराया और कहा, मतलब आज मैं हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत कर दूंगा, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे और एक साथ रहेंगे। मगर कैसे, आप करने वाले क्या हैं? पता ना, साथ चलोगे? आप कहाँ? शौर्य उसे वहीं एक मंदिर में लेकर आ गया। चंद्रिका आज भगवान शिव हमारे प्यार और रिश्ते के साक्षी बनेंगे, इनके सामने मैं पूरे रीति रिवाज से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। चंद्रिका चौंक गई, वो शौर्य के प्यार के आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी शौर्य ने मंदिर में रखा सिंदूर उठा लिया और चंद्रिका की मांग भर दी। चंद्रिका ने आंखें बंद कर ली थी और फिर शौर्य की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। चंद्रिका की आंख भर आई। शौर्य ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और प्यार से कहा, अब बन गई तुम मेरी पत्नी। और शौर्य गोयल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी वाइफ की आंखों में आंसू नहीं। चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद उन्होंने अग्नि के फेरे भी लिए। फेरों के वक्त शौर्य ने चंद्रिका का हाथ पकड़ रखा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शौर्य ने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी पापा, आप लोगों को बताए बिना शादी कर रहा हूँ, लेकिन चंद्रिका का विश्वास जीतने के लिए करना बहुत जरूरी था। आई होप आप लोग मेरी मजबूरी समझोगे और फिर जब आप मेरी चांद से मिलोगे तो खुश होगे कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छी बहू पसंद की है। बस पापा मुझे ज्यादा पीते हैं, फिर सब ठीक है। शादी पूरी हो गई। उन दोनों ने भगवान के सामने अपना माथा टेका। शौर्य बोला, भगवान का आशीर्वाद तो मिल गया, अब मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का आशीर्वाद देना बाकी है। मैं बहुत खुश हूँ। चांद उसने चंद्रिका को अपने गले लगा दिया।